में पहुंच रही है। आज उसी कांग्रेस विधानसभा है जहां पर भाजपा सरकार में तमाम मुद्दों को लेकर जवाब माना जाएगा। सांसद जय प्रसाद हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे थे कि हरियाणा में चुनाव का विजय हो चुका है और जय प्रसाद नहीं हमारे साथ है। जेपी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे जो है हिस्सा माना जाए भाजपा के मुद्दों पर, तो आज कांग्रेस सही है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक यात्रा निकालना विधानसभा क्षेत्र वाइज, उनसे हिसाब मांगना है कि कर्जा को 4.25 करोड़, विकास कार्य 0, उनसे हम हिसाब मांग रहे हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहे, उनको हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी को हिसाब नहीं देगी, चुनाव में जनता इनसे हिसाब कर देगी। लेकिन जयप्रकाश से बात करके नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, कल लाइव आए थे, कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, आपसे लगभग एक दर्जन सवाल जो उन्होंने पूछे हैं और आपसे हिसाब मांगे कि कांग्रेस जो 70 साल का हिसाब है वो हमसे 10 साल का हिसाब मांग रही है। पूरा हरियाणा प्रदेश जो कांग्रेस लूट लेगी कर दी इनकी पार्टी। आज जो मीटिंग हुई यहाँ दिल्ली में, उसमें मुख्यमंत्री को तो बुलाया ही नहीं, पार्टी को नहीं पूछी, ना हम क्यों पूछेंगे। जहाँ तक सवाल है मैं उसको बता देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, दोबारा उसने ध्यान नहीं देना चाहिए। देश की आजादी के बाद अगर हवाई जहाज बनाने का काम कराया तो उस प्रधानमंत्री का नाम था, मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना बंगलोर में किसने की? कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जी। और मोदी जी ने वायदा किया था कि जहाज बनाने का कारखाना लगाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, लग गया क्या? क्या था ना मोदी जी ने मेक इन इंडिया, अब कहा है मेक इन इंडिया? एक कोई बनाने का कारखाना लगाओ तो बताओ। पंडित जी ने कांग्रेस पार्टी ने बुद्धा साहब के पिताजी इरिगेशन मिनिस्टर थे रणबीर सिंह, और आगरा डैम किसने बनाया बताओ आप? कांग्रेस ने बनाया था आगरा डैम। उसके बाद ये आविष्कार किसने किया? पंडित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जितने भले आदमी को ये ज्ञान नहीं, इस देश को एक रखने के लिए इस परिवार ने अपने दो दो नेताओं के प्राण निछावर करवाए। लेकिन आज भी देश की एकता के लिए राहुल जी लड़ रहे, आदरणीय सोनिया जी लड़ रही है, प्रियंका जी लड़ रही है। ये बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री इस देश के विकास में क्या योगदान है, मेरा ये प्रश्न है। लेकिन आज साहब लगातार घोषणा कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लेकर पार्टी में कर दिया कि विभिन्न घोषणाएं जो करते हुए नजर आए। मुझे एक आदमी ये बता दो, मैं सिलेंडर लेके आया हूँ, एक आदमी को 500 रुपए में सिलेंडर लिया है, दिखाओ मैं मान जाऊंगा। जयप्रकाश जी, कांग्रेस के तमाम नामांकन जो है वो दाखिल हो चुके हैं जो कांग्रेस पार्टी ने मांगे थे, क्या उन्हें नामांकन जिन व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार दिया, क्या उन्हीं को टिकट उन्हें टिकट दी जाएगी? देखिए नामांकन तो नहीं कह सकते, अप्लीकेशन उनका सर्वे होगा और सर्वे के बाहर भी टिकट दी जा सकती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के परिवार से एप्लीकेशन में किसी का नाम नहीं है, जबकि 5-6 उम्मीदवार जो है वो पैथल थे, हुड्डा घुट के जो है उन्होंने नामांकन भरा, लेकिन उनका क्या दोष जिन्होंने 30 बैकेज एप्लीकेशन से दिया और जिन्होंने नहीं दिया उनको रिपोर्ट में शामिल किया जाए? नहीं है नेता है, उसका बहुत बड़ा नेता है। आज अगर देश प्रदेश में माफ नहीं करती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह प्रदेश की जनता ने मान लिया, वो वर्दी ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है और जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी है, यानी जब एक बार हालांकि मान्य आदेश दे दिया कि
फिर आला कमान के जो आदेश थे उनको भी अनदेखा किया गया। देखो पार्टी की बात फोरम पे करते हैं, चलिए 2024 को लेकर क्या मुद्दे चाह रहेंगे हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र के पिता का जो सपना था 6000 रुपए दूधा को प्राप्त करने का, जो ओपन रोजगार निगम से 12000 में कंप्लीट लगता था, हर घर में इसके बराबर वेतन देंगे। बेरोजगारों को 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार, ठीक है ना। फिलहाल सुल्तान गढ़ौली भी अपने काफिले के साथ पहुंच चुके हैं। जयप्रकाश जी, इस जनसेनाब को कहां देखते हैं? लगता है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आवाज हो चुका है और कहीं ना कहीं अभी अंदेशा लगाया जा सकता है कि 2024 की जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त, आप यहीं से लगा लियो साहब, यहीं से लगा लिए सर। अच्छा 2024 में क्या लगता है, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहेंगे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहेंगे? जेपी की नजर में कौन सा चेहरा सही है? जिसको लोग चाहेंगे, जिसको भी जाए क्या मरियाद किनको चाहता है? ना मेरे चाहने ना चाहने जिले में पार्टी का सांसद हूँ, जिसको एमएलए चाहेंगे आयुष्मान चाहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि कलाज से आपके परिवार के लोग भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हारी बात है नहीं पे कोई ना कोई चेहरे के ऊपर तो मोहर लगेगी कि हाँ हमारा सीएम ऐसा होना चाहिए। पार्टी फैसला करके पार्टी की बातें हैं पब्लिक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।